पान दही वालो आलू 200 रुपए में। हम इस टाइम है सम्राट ट्रेडिंग कंपनी दुकान नंबर 57 पर, कुशवाजी की दुकान पर, और रामपाल भैया हमारे साथ हैं। आलू भी बिक्री हुआ है, बड़ा मोटा मोटा आलू साहब, खिलौना पैदा किया किसान ने। देखो साहब बहुत मोटा मोटा आलू मिश्रा जी ने मेरे लिया है। राहुल भैया ये आपकी बांग्लादेश जाएगा क्यों भैया? राहुल भैया मुस्की मार रहे, बता नहीं रहे। कुल मिलाकर के इसकी सौदा हो चुकी फिलहाल। क्या रेट भैया लिया है? 321 रुपया। 300 बड़ा मोटा मोटा ले लिया साहब। बाजार है मध्य, बाजार टूट गए। ये बात हकीकत है, बाजार सब टूट, हर जगह बाजार टूट रही। रामपाल भैया क्या पोजीशन है? पोजीशन वही 300 के और 350 के रेंज में बढ़िया आलू बिकेंगे, क्योंकि बाजार जो है बाहर की टूटी हुई है। और लाल? लाल वो 500 के रेंज में बिकेगा आज। आमद क्या पोजीशन है? आमद तो खूब है, अभी आ रही है आमद, अभी आ रही। आप बताओ मिश्रा जी बाहर पोजीशन कुछ? पोजीशन बाहर बहुत खराब है, जाम लगा हुआ है, गाड़ियां नहीं मिल रही, गाड़ियां नहीं मिल रही है भैया, गाड़ियां नहीं मिल रही, बहुत मार्केट डाउन है। किसान को क्या चाहिए इस टाइम? ब्रेक लगानी चाहिए, ब्रेक लगानी चाहिए, बिल्कुल ब्रेक लगानी चाहिए। ब्रेक लगाएंगे तभी बाजार आगे आएगी। भैया बताओ सब नाम। सुनील कुमार। आलू लाए आप? आए मंडी देखने आए, भाव लेने आए। तो ये मिश्रा जी तो कह रहे ब्रेक लगानी चाहिए। नहीं, हमने लगा दिया, हमारे लेबर गिरे तो हमने मना कर दिया। अरे क्या बात है मिश्रा जी, देखिए आपका सिचुएशन, पहले भैया ने ब्रेक लगा दिया, मतलब आप कम से कम 2-4 दिन बाद। जी जी जी, बिल्कुल सही बात। आप बताओ भैया, लास्ट टाइम है, गेहूं की बुवाई चल रही है, किसान भी बड़ा असमंजस में है, क्या करना चाहिए किसान? हालांकि किसान को तो अभी हल्का ब्रेक लेके जो है आलू खोदे जी, गेहूं की बुवाई जो है, गेहूं की बुवाई है, इसीलिए किसान ज्यादा अभी आलू खुदाई कर रहा है। हाँ, गेहूं की बुवाई की वजह से, गेहूं की बुवाई की वजह मतलब ज्यादा स्पीड। हाँ, इसीलिए आमद ज्यादा है। भैया कौन क्षेत्र है अपना? हमारा ठटी ही है। क्या पोजीशन है रोक की? क्या पोजीशन ये बताओ। नहीं नहीं, अब साहब जो भी होगा, जो परपरा है, नहीं हाँ है, परपरा है, परपरा वगैरह है जी। तो नियमित दवाई का छिड़काव कर रहे हैं? कर रहे हैं। कई बीघा आलू है भैया हमारे पास? करीब 20 बीघा आलू। 20 बीघा आलू है। आप भैया शुभ नाम? बोलिए बोलिए। मेरा नाम बताओ। कोई बात, मेरा नाम राजवीर है। बताओ यार, कैमरा की तरफ देख के, राजवीर आएगा। अबे तुम यो कहाँ लगाई हो? यो है ना, लगाई करके कोई कहते है? ठीक है, लगाओ ना सामने। नहीं ले जाना, नहीं तो बड़े नहीं। आलू 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 खरीदो भैया। आलू इस समय इतनी पोजीशन खराब चल रही, पान दही वालो आलू 200 रुपए में बिकी, झोटी ना कहता हो? और लागत ना सीधी हुई रही। क्षेत्र कौन सा है? ये ठटिए है। ठटिया, हम ठटिए है मऊरा। अच्छा, कई बीघा आलू है अपने? आलू थे हमारे 15 बीघा। रोग वगैरह का पोजी? रोग सब मरी को आलू में, चलो आलू चलो को का करें? खादी चाहते यूरिया खत्म, यूरिया फेंक दे। दादा आप बताओ का पोजी, बताओ रोग चालू हो गया? का नाम है? हमारा नाम लाल सिंह। आप कहाँ के रहने वाले? ठटिया के। सब लोग ठटिया ही के? हाँ, ठटिया के। और कोई क्षेत्र है भैया? कोई अन्य क्षेत्र है? कोई सब ठटिया के। कहाँ भैया, कौन सा क्षेत्र पड़ता है बताओ? क्षेत्र का पोजीशन है ये जो यहाँ पर है, मतलब आलू की तो खुदाई की तो ठीक है, हम रोग के बारे में पूछो चाहे तो रोग की क्या? रोग इधर ये थोड़ा बहुत है, नहीं फ्रेश आलू खड़ा है टोटल। अच्छा, ठटिया वाले बताओ? बहुत नहीं, कहीं नहीं है रोग। तो आपको नियमित दवाई छिड़काव? दवाई 3 स्प्रे हो चुके हैं। 3 स्प्रे हो चुके हैं। ये मोड़ा भी कटने जा रहा भैया, ये तो बिक्री होएगा? कहाँ गए भैया? मुनीम जी, रामपाल भैया, ये मोड़ा वोड़ा कटवा है मेरे सामने बिक जाए, कोई है खरीदार? ये तो 321 बिक गया भैया, दिखा दिया। लाल अभी बिका नहीं, लाल अभी नहीं बिका। ये तो हाईलैंड आलू है बढ़िया, सिलाई वालो, सिलाई वालो हाईलैंड है, पक्की बदल बहुत पक्की बदल नंबर लड़को क्षेत्र ठटिया। ठटिया है। अच्छा, तो आपने खोद लो के बनाए? नहीं, खोद लिया है, 1.5 बीघा को खोदा है। हमने बृहस्पति को खोदा, आज बृहस्पति है, आज एक दिन खोदा था। अच्छा, आज एक दिन खोदा था। कुल मिलाकर के रेट तो साहब सस्ता हो गया, और किसान को ब्रेक लगाना चाहिए थोड़ा। 321 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से सफेद बिक्री हुई, लाल अभी अभी तक मेरे सामने नहीं बिका है। लाल की बिक्री भी दिखाने का प्रयास।